सीडीएस प्रमुख बिपिन रावत की अभी अभी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश किया है, जो कि नीलगिरी में बिपिन रावत जो कि सीडीएस प्रमुख हैं उनका हेलीकॉप्टर अभी अभी क्रैश किया है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग शामिल थे, जिसमें बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी मौजूद थी। अभी इस घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग घायल हैं, यह कहना मुश्किल है। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह हेलीकॉप्टर का हालत है, आप स्क्रीन पर लगातार देख भी रहे हैं कि आपको कहा जा सकता है कि हो सकता है कुछ लोगों की मृत्यु हुई। राजनाथ सिंह जो कि अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं, वे अभी अभी जा रहे हैं बिपिन रावत के घर, जो कि सीडीएस प्रमुख हैं बिपिन रावत। तो आगे आपको जैसी जानकारी आएगी मैं आगे आपको अपडेट करता रहूँगा। बने रहिएगा चैनल, पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि कुल 14 लोग शामिल थे, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मौजूद थी।